एक्सरसाइज है 6.1 और क्वेश्चन नंबर है 7 तक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है जिसको हम कर रहे हैं। 8 में लिखा है एलसीएम, जिसे आप लोग लोअर कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, एंड एचसीएफ जिसे हायर कॉमन फैक्टर कहा जाता है, ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 2 × x^4 − 1 एंड x + 4, x + 1 × x^3 + 1 रिस्पेक्टिवली। तो ये उसने कहा है कि तरतीब वाइज ये एचसीएम दिया है और ये उसका एचसीएफ बताया हुआ है रिस्पेक्टिवली। एंड इफ पी ऑफ एक्स ये x³ + x² + x + 1 ये हमारी फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है, एंड फाइंड क्यू ऑफ एक्स और हमने क्यू ऑफ एक्स जो उसकी सेकंड पॉलिनोमियल्स है वो हमने फाइंड करना है। देखते हैं जी, ये हमारे पास एक मेथड है जिसके तहत इसको हल किया जाता है। हम पहले वैल्यू लिखेंगे LCM। देखिए LCM की वैल्यू जो फर्स्ट है वो क्या है, वो 2 × x^4 − 1 है। फिर HCF है, तो यहाँ पर HCF की जो दूसरी वैल्यू मैंने साथ ही बताई थी वो क्या है, x + 1 और फिर क्या है x²+1। फिर साथ उसने क्यू ऑफ पी ऑफ एक्स दिया और पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x³ है, x² है प्लस x + 1 है, और हमने फाइंड क्या करना है Q-X. तो यहाँ पर 4 वैल्यूज दी है, 2 वैल्यूज उसमें से एक HCF है और एक LCM है, दूसरी एक पॉलिनोमियल्स है पी ऑफ एक्स है और दूसरी क्यू ऑफ एक्स है फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है LCM मल्टीपल HCF, इसको ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है और इसको दरमियान में मल्टीपल भी लिखा जा सकता है, दूसरी वैल्यू को क्यू ऑफ एक्स और क्रॉस पी ऑफ एक्स। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले पी ऑफ एक्स लिखे और बाद में क्यू ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसे ये पी ऑफ एक्स फर्स्ट वैल्यू एंड क्यू ऑफ एक्स सेकंड पॉलिनोमियल वैल्यू भी लिखा जा सकता है। तो ये फार्मूला है जो इन क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, LCM क्रॉस HCF इक्वल फर्स्ट जो पॉलिनोमियल वैल्यू पी ऑफ एक्स और क्रॉस क्यू ऑफ एक्स, इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे और 3 वैल्यू हमें दी हुई है और एक वैल्यू बड़ी आसानी के साथ हम मालूम कर सकते हैं। देखिए जरा LCM की वैल्यू क्या है, वो ये है 2 × x^4 − 1 दरमियान में मल्टीप्लाई, HCF की वैल्यू क्या है वो है जी x³ + x² HCF की वैल्यू क्या है वो x + 1 है और फिर x² + 1 इक्वल। फिर आगे लिखा है पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है वो ये है x³ है प्लस x² है प्लस x + 1 और फाइंड क्या करना है, जो चीज़ फाइंड करनी हो वैसे की वैसे आ जाएगी। अब क्यू ऑफ एक्स के साथ ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाकर किसकी हो जाएगी, डिवाइड की हो जाएगी, लेकिन ये 2 इसको मैं साथ ही सिंप्लीफाई करूँगा, ये x⁴ से मराद इसे x² का स्केयर लिखा जा सकता है और 1 को 1 का स्केयर, यानी कि ये बन जाएगा (1)² − 2 बन जाएगा और आगे x + 1 वैसे का वैसे और फिर x²+1 वैसे का वैसे। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, अगर हम ये x³ है तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x² अंदर क्या बच जाएगा x² कॉमन चला गया तो वहाँ पे क्या रह जाएगा 1। ये वो हम मेथड कर रहे हैं जो हमने मेथड अप्लाई किया है 5 यूनिट के अंदर जी, इन दोनों में से मैंने क्या किया है कॉमन लिया x², ये 3 की जगह मैं स्केयर ले लिया, बाकी क्या रह गया x+1, फिर अगले दोनों में से कॉमन क्या है 1, अंदर क्या रह जाएगा x+1 वैसे का वैसे और आगे क्यू ऑफ एक्स भी वैसे का। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट का स्केयर मनफी सेकंड का, फर्स्ट माइनस सेकंड और फिर बनेगा फर्स्ट प्लस सेकंड, आगे x+1 है x² + 1 है
दोनों में सेम क्या है, x प्लस वन, बाकी बचा क्या, x की टू प्लस वन और बाकी इसको टू इंटू एक्स केयर मनफी वन, एक्स केयर प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स केयर प्लस वन, ये सब वैसे का वैसे ही सेम आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर किसका हो जाएगा, इधर आकर है डिवाइड का हो जाएगा। देखिए जी, हम डिवाइड करते हैं, इधर आकर x प्लस वन और फिर एक्स केयर प्लस वन और इक्वल क्या है, क्यों ऊपर एक्स, ये एक्स प्लस वन, ये एक्स प्लस वन से कैंसिल, ये एक्स केयर प्लस वन और ये एक्स केयर प्लस वन, बाकी बचा क्या है, ये टू। इनको दोबारा हम कंबाइन उसी तरह कर लें, इसको वापस और वापस किया और इसको हम एक्स की फोर मन की वन ही लिख सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यों वो ऑफर एक्स की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद है कि इसकी समझ आई होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देख लें और उसका भी मेथड यही दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों के पास ये पी ऑफ एक्स भी दिया है, क्यों ऑफ एक्स भी दिया है। इफ एच सी एफ और पी ऑफ एक्स एंड क्यों ऑफ एक्स इज, ये उसका एच सी एफ है 10x प्लस 3x मल्टी 1 और फाइंड एल सी एम आपने फाइंड करना। तो इधर भी 3 वैल्यू दी हुई है और 4 वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप आपके पास ये एल सी एम है, एच सी एफ है या पी ऑफ एक्स है या क्यों ऑफ एक्स है, इन 4 वैल्यू में से उसने 3 देनी, वो जौन सी मर्जी दे दे। तो 3 हमने पुट करने करनी और चौथी वैल्यू हम फाइंड करने करेंगे। देखिए इसमें से जो वैल्यू हम दोबारा लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर 3x प्लस 2। तो पहले मैंने लिख ली पी ऑफ एक्स, फिर मैं लिखूंगा क्यू ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी, ये 10x है और फिर x मनफी 3 है और फिर x मनफी 1 का स्क्वायर। फिर LCM देखो, हमारे पास LCM फाइंड करना है और HCF की वैल्यू दी हुई, और HCF हमारे पास क्या है, वो है 10 और फिर x प्लस 3 और फिर x मनफी 1। तो फाइंड क्या करना है, हमने LCM जो हमने ये फाइंड करना है और आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया कि ये हम फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास जो इक्वेशन क्या है, जो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये था एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम, एच सी एफ और क्रॉस एल सी एम। तो दूसरी तरफ क्या था, पी ऑफ एक्स और क्रॉस क्यू ऑफ एक्स। तो इनकी हम क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए किस किस की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, एच सी एफ, एच सी एफ की वैल्यू ये वाली है, उसकी जगह पे हम एच सी एफ की वैल्यू लिखेंगे। वो क्या है, वो है मेरे पास 10x प्लस 3 और फिर x मनफी 1 और क्रॉस एल सी एम जो हमने फाइंड करना, वो वैसे का पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो है जी 10 और फिर x मनफी 3 और x मनफी 1 का स्केयर। फिर आगे क्यू ऑफ एक्स है और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास ये 10x और फिर x मनफी 3 है और x मनफी 1 का स्केयर। मालूम क्या करना हमने, एल सी एम, ये एल सी एम इधर रहेगा, एल सी एम ये वैसे का वैसे 10x मनफी 3 x मनफी 1 का स्केयर क्रॉस 10x और फिर x मनफी 3 और x मनफी 1 का स्केयर। तो जो एक्स्ट्रा था इधर मल्टीप्लाई का, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का, 10x प्लस 3 x मनफी 1। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ जो कैंसिल होती है वो कर देंगे, जो बाकी बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, वो बचेगा फिर एल सी एम। देखिए जी हमारे पास ये 10 10 के साथ कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद ये x मनफी 1 है, इधर x मनफी 1 का स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया। अब ये देख लें, ये दोनों वैल्यू x मनफी 9 था, इधर मेरे ख्याल में ये मिस्टेक हुई है, ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये 10, हाँ ये देखिए इधर पी ऑफ एक्स की वैल्यू थी 10 और फिर था एक्स स्क्वायर मनफी 9 और सात वैल्यू क्या थी, सात वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर
माइनस थ्री एक्स और प्लस है टू। तो ये हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू थी, और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है ये थोड़ा सा मुझे इसे दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि ये मिस्टेक वैल्यू लिखने मुझे आपने भी नहीं बताया। ये थी पी ऑफ एक्स की वैल्यू, और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है वो हमारे पास है टेन एक्स, और ये है एक्स मल्टी थ्री और एक्स मल्टी वन का स्केयर। ले जी फाइंड करना है एल सी एम, ये 10, ये एक्स स्केयर मल्टी 9 है। एक्स स्केयर मल्टी 9 से मुराद क्या है, फर्स्ट का स्केयर है और 9 की जगह पर है 3 का स्केयर। फिर उसके बाद ये हमारे पास एक्स स्केयर मल्टी 3x प्लस 2 है, इसमें से देखें फैक्टराइजेशन करेंगे, हमने फैक्टर बना लिए मल्टी 2x और माइनस का x और प्लस 2, क्योंकि 3 को हमने फैक्टर में कर लिया मल्टी 2x, जिस तरह यूनिट नंबर हम 5 करके आए थे उसको सिंप्लीफाई किया, और आगे वाला 10x x मल्टी 3 और x मल्टी 1 का स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा, ये है जी। और इधर से जो चीज़ मल्टीप्लाई थी उधर जाकर हमने क्या कर ली है, डिवाइड की, तो डिवाइड क्या हुआ 10 x प्लस 3 और x मल्टी 1। ये है जी एल सी एम, टेन टेन के साथ चला गया। फिर उसके बाद ये एक्स मंथली वन है, ये भी इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, ये ऊपर वन टाइम मंथली एक्स मंथली थ्री, और वन टाइम हमारे पास क्या बच गया वन टाइम प्लस, और आगे वाली वैल्यू इसको हम वैसे एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा एक्स मंथली टू, इधर मंथली वन कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x मल्टी 2, और आगे वाला क्रॉस 10x और x मल्टी 3 और साथ x मल्टी 1 वैसे का वैसे, डिवाइड क्या है जो बचा हुआ है x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी जो वैल्यू बची हैं वो हम लिख लेंगे। क्या बचा इधर से x मल्टी 3 बचा, इधर से दोनों में सेम क्या है एक्स मल्टी 2, इधर बाकी बचा क्या है एक्स मल्टी 1, अगलों में क्या है 10x है और फिर एक्स मल्टी 3 है और फिर एक्स मल्टी 1, एक स्टेप इसका और हो गया, ये एक्स मल्टी 1, तो मैं क्या लिखूंगा एक्स मल्टी 1 का स्क्वायर। फिर उसके बाद ये एक्स मल्टी 2 कोई और नहीं इसलिए ये वैसे का वैसे, फिर ये एक्स मल्टी 3, इसका भी मैं क्या लिखूंगा एक्स मल्टी 3 का स्क्वायर, और स्टार्ट में हम लिख लेंगे जो 10 और साथ उसके x, तो ये हमारे पास है रिक्वायर्ड आंसर आ गया 10x इंटू एक्स मल्टी 1 का स्क्वायर, एक्स मल्टी 2 और एक्स मल्टी 3 का स्क्वायर आ जाएगा। देख ले जहाँ से किसी को नहीं पता चला वो मुझसे पूछ ले।